हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एंडलेस। तो आज का वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही कमज़ोर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको दिखाना ये है कि ये दोनों रिजल्ट आपके बराबर होंगे, लेकिन कैसे होंगे ये देखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उस साइड को प्रेफर करें जिधर से चलना आपको आसान लगता हो। तो मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो दिया गया है सेक 6 थीटा दिया गया है। अब आपको सोचना है कि भाई ये सेक 6 थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर मान लो कि मैं सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लूँ और बाहर जो है पावर में 3 लगा दूँ। तो यह ध्यान रखिएगा कि इसका पावर 2 ये 3, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसी के बराबर रिजल्ट दे देंगे। अब आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा कि जब सेक स्क्वायर थीटा होता है तो ये बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि जो ये ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा जो दिया गया ना, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में लिख दिया। कहाँ से लिखा, देखो ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये इसकी हेल्प से मैंने ये लिख दिया। मैंने सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया, उसकी जगह पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पावर 3 है तो ये पावर 3 आप लगा लीजिए। अभी ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना, ये a प्लस बी का होल क्यू हो गया। मान लो 1 कहाँ पे है, मान लो a की जगह पे है और 10 स्क्वायर थीटा b की जगह पे है, तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यू। अब a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला को पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यू जो होता है वह डिपेंड करता है a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3 a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे ए की जगह क्या है, 1 है, तो मान लो हमने 1 का क्यू कर दिया प्लस बी क्या है 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा लिया, क्लियर। और इसका हम लोग क्यू कर देंगे इस तरीके से प्लस 3a² b, तो 3। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, क्लियर। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अभी तो इसमें b लगा हुआ है, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है 10 स्क्वायर थीटा, तो ये 10 स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी इसमें एक और चीज़ है, 3ab² है, तो 3 लिखा, a की जगह हमने 1 डाला और इसका हमें स्क्वायर करना होगा। अब ये ध्यान रखो कि जब 10 स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10 4 थीटा हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जब इस 10 स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 4 थीटा। अब यहाँ पे आते हैं, अगला स्टेप करते हैं। तो 1 का क्यू तो हमने 1 लिख दिया, क्लियर। अब देखो इन दोनों का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 10 6 थीटा हो जाएगा, क्लियर। यहाँ आपको मिलेगा 3 10 स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 10 और ये 4 थीटा यहाँ पे लगा लीजिएगा, क्लियर। अब ज़रा इधर आते हम लोग। अब आपको थोड़ा सा ज़रा इस जो आपने जो स्टेप लगाया है, इस स्टेप में आप देखिएगा कि जैसे मान लो कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे थे और राइट साइड में आपको ये दिखाना था, तो इसमें देखो 1 तो मिल चुका है, देख लो 10 6 थीटा मिल गया है, क्लियर। लेकिन ये रिजल्ट अभी आपको मिल नहीं रहा है, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ये जो थर्ड और फोर्थ वाला जो पार्ट है, क्लियर, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या क्या कॉमन है वो देख लीजिए यहाँ पे, 1 प्लस 10 6 थीटा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 3 10 स्क्वायर थीटा कॉमन कर रहा हूँ। जो थर्ड और फोर्थ वाला जो टर्म है ना, इसमें मैं 3 10 स्क्वायर थीटा मैं कॉमन कर लेता हूँ। तो देखो मुझे ब्रेकेट में क्या मिलेगा, यहाँ देखो 1 मिलेगा, चूँकि मैं इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो ये पूरा इसे चला गया, तो इसकी जगह पे मुझे 1 रखना होगा। और यहाँ मुझे मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा, क्लियर, ये मिलेगा। अब आपको थोड़ा समझना होगा कि आप क्या ले सकते हैं, 1 प्लस 10 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अभी आपने देखा था कि जब मैंने आपको बताया था
कि भाई सेक स्क्वायर थीटा होता है तो ये बराबर होता है 1 + tan² θ के। अब इसी 1 + tan² θ को अगर हम हटा दें तो इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, हम इसकी जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब देख लो कि क्या ये वाला पार्ट आपको मिला कि नहीं मिला। अब देख लीजिए, देखिए यही चीज़ आपको नहीं मिल रही थी लेकिन आपने इसको ला दिया, तो आप देखें कि आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अपने बराबर आपने दिखा दिया है। अब हम लोग चलते हैं अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये जो 32 है ठीक उसी पैटर्न पे है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्लियर? कोसेक 6 सिस्टम हमने ले लिया, इसको हम लोग ले सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा और इस पर पावर हमने क्यूब लगा दिया। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ जान जाइए कि जब कोसेक स्क्वायर थीटा होता है तो ये बराबर होता है, ये देखो थीटा ही है, ये बराबर होगा 1 + cot² θ के। ठीक है? तो हम लोग इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 + cot² θ और यहाँ पे पावर 3 लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल क्यू वाला फार्मूला ठीक यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब + cot² θ लिया, इसका भी हम लोग क्यूब कर देंगे। क्लियर? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कम्प्लीट हो गया। अब 3ab² करेंगे तो 3 a की जगह 1 और b² यानी इसका क्या करेंगे, इसको ले करके इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा cot² θ का भी स्क्वायर हमें करना होगा प्लस। तो ये तो हो गया 3ab². क्लियर? अब हम लोग करेंगे 3a² b कर लेते हैं, वो हम लोग छोड़ दिए थे उसको, तो उसको भी कर लेते हैं। तो 3 × अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो से कर लो। क्लियर? अब उसके वजह से क्या हुआ, b करना है तो यहाँ पे हो गया क्या, cot² θ। अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं। तो 1 का क्यूब हो गया 1। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों के पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो cot 6θ हो जाएगा। यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं क्या, 3 cot, लेकिन यहाँ देखो पावर, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप करते हो तो ये मिलेगा 3 cot² θ। अब हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। ये तो हो गया 1 + cot 6θ हो गया, इन दोनों में हम 3 cot² θ कॉमन कर लेते हैं। तो 3 cot² θ अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो cot² θ बचेगा। क्लियर? और यहाँ पे ये चीज़ हट रही है तो इसकी जगह पे आ जाएगा +1। यहाँ हो गया क्या, 1 + cot 6θ, ये हो गया 3 cot² θ। अभी आपको सोचना होगा भाई cot² θ + 1 इसको हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि cot² θ + 1 जो होगा, जैसे आपने cosec² θ को 1 + cot² θ लिखा था तो आप क्या करें फिर से इसको रिप्लेस कर दें और इसकी जगह पे ये रिजल्ट आप लिख दीजिए जो कि है cosec² θ। तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे क्या, cosec² θ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा। और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए ऊपर आई बटन, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम तरह के वीडियोज़ के लिंक दे रखे हुए हैं, उसे देखें, वीडियो के एंड में भी लगा हुआ है। और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, यहाँ तक कि हर स्टेप पर सीखने को आपको मौका मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी बताएं और कहें कि इस चैनल को ज़रूर विजिट करें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिए कि जो आप लगाए हैं ये राइट साइड के बराबर आए कि नहीं आए। तो आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को चले थे, 1 मिला ही है जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे cot 6θ दिख रहा है, cot 6θ आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये देखिए 3 cot² cosec² θ, देखिए यहाँ पे आपको ये बीच मिल गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बड़ों का कहना मानते रहिए। जय हिंद, जय भारत।